सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों हम बात करने वाले हैं वीवो के Y100 फोन के ऐप लॉक सेटिंग के बारे में। ऐसे अगर आपके पास वीवो का Y100 फोन है, आप यूज करते हो, आप चाहते हो उसमें किसी भी ऐप को लॉक लगाना, जो कि यहाँ पे आप ऐप लॉक लगा के रख सकते हो अपने फोन के सेटिंग से। तो फाइनली कैसे लगाना, मैं आप लोग को इसी के बारे में इस वीडियो में पूरे फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो फाइनली दोस्तों हम बात करने वाले हैं वीवो के Y100 फोन में ऐप लॉक सेटिंग के बारे में। तो चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पे और आप लोगों को चल के बता देते हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलमान। तो फाइनली दोस्तों साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे वीवो के Y100 फोन के बारे में। Y100 फोन में आप ऐप लॉक लगा सकते हो, किसी ऐप को लॉक लगा के रख सकते हो अपने फोन के सेटिंग से। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैं एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, मेरा एल्बम है, एल्बम यहाँ पे है, तो मेरा यहाँ पे लॉक लगा हुआ आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस तरीके का लॉक लगा है। तो इस तरीके से आप अपने Y सीरीज में जो कि Y100 फोन में ऐप लॉक लगा सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे इसे अनलॉक किया तो अनलॉक हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी ऐप पे अपना लॉक लगा के रख सकते हो अपने फोन के सेटिंग से, ताकि यहां पे आप जब लॉक लगा लोगे तो आपका कोई भी एप्लीकेशन कोई यूज नहीं कर पाएगा, सिर्फ आप यूज कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे आप अपने फोन के सेटिंग से इस ऐप को लॉक लगा सकते हो। तो दोस्तों आपको क्या करना, अपने फोन के सेटिंग के अंदर आना है। सेटिंग के अंदर आने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपका सेटिंग कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो नीचे आएंगे तो आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एक सिक्योरिटी का एंड एक आपको प्राइवेसी का। तो आपको प्राइवेसी वाले क्लिक करना है एंड उसके बाद दोस्तों यहां पर देखोगे प्राइवेसी वाले पे आप लोगों को कुछ अलग लॉक वगैरह लगाने को मिल जाता है, लेकिन आप लोगों को प्राइवेसी वाले ऑप्शन में जो कि आप लोगों को लॉक लगाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा ऐप पे। जैसे आप यहां पे सिक्योरिटी वाले पे क्लिक करेंगे तो सिक्योरिटी वाले पे आपको मिल जाता है यहां पर लॉक लगाने का ऑप्शन, जैसे कि यहां पे आपको प्राइवेसी एप्स यहां पे मिल जाता है। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे यहां पे आपका पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड ऑटोमेटिक से मेरा चूंकि अनलॉक हो गया है, अगर आपका पासवर्ड नहीं लगा होगा तो आपको एक नया पासवर्ड को क्रिएट करने को बोलेगा, तो आपको नया पासवर्ड बना लेना है। बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर मिल जाएगा ऐप हेडिंग, जो कि ऐप हाइड कर सकते हो किस जो कि वाई सीरीज में Y100 में, एंड उसके बाद आपको यहां पे ऐप लॉक करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो ऐप लॉक लगाने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहां पर आप देख सकते हो ऐप लॉक टाइम, यहां पर आपको मिल जाता है ऐप लॉक टाइम। जैसे कि मैंने ऑलरेडी पहले से अपने फोन में यहां पर एल्बम एंड व्हाट्सएप पे लॉक लगा रखा है, जो कि मैंने आप लोग को दिखाया भी। तो दोस्तों अगर आपने लगाना चाहते हो व्हाट्सएप पे एंड और भी एप्लीकेशन पे लॉक, तो आपको क्या करना है, यहां पे मेरा जैसे कि मैं लगा के आप लोग को दिखाता हूं। अब दोस्तों अगर आप मेरा यहाँ पे फेसबुक है, फेसबुक को मैंने लॉक कर दिया, फेसबुक यहाँ पे मेरा लॉक हो चुका। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर लॉक हो गया, यहाँ पे हम ग्रीना फ्री फायर को भी लॉक कर देते हैं। अब यहाँ पे इन तीन एप्लीकेशन को मैंने लॉक करके बैग हो चुके हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे फोन में 5 एप्लीकेशन लॉक हो चुका है, ऐप लॉक हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हम जाएंगे अपने होम स्क्रीन के ऊपर एंड होम स्क्रीन के ऊपर आएंगे तो उसके बाद यहां पे आपको मिल जाता है, यहां पे पहले एल्बम मैंने दिखाया था, उसके बाद हम दिखाएंगे तुमको व्हाट्सएप, व्हाट्सएप भी यहां पे लॉक है एंड जब यहां पे खोलेंगे तो यहां पे व्हाट्सएप लॉक अनलॉक हो जाएगा। अगर आप दोस्तों यहां पर देख सकते हो जैसे कि यहां पर व्हाट्सएप आपका है, तो अगर यहां पे कोई भी एप्लीकेशन यहां पे मिल जाता है फेसबुक, फेसबुक मैंने लॉक किया है एंड अगर आपका फेसबुक लॉक है एंड फिंगरप्रिंट से लॉक करना खोलना चाहो तो फिंगरप्रिंट को अटैच करना पड़ेगा। अगर आप चाहोगे अपने पासवर्ड से खोलना तो आपको पासवर्ड से भी ओपन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से फेसबुक मैंने खोल लिया एंड उसके बाद फ्री फायर है, यहाँ पे आप लोग देखते हो फ्री फायर है। इस तरीके से आपको यहाँ पे पासवर्ड डालकर इसे अनलॉक करना पड़ता है, फिंगरप्रिंट से भी अनलॉक कर सकते हो एंड पासवर्ड से भी इसे अनलॉक कर सकते हो। तो इस तरीके से किसी भी एप्लीकेशन को आप लॉक करके रख सकते हो अपने होम स्क्रीन पे एंड जब आप पासवर्ड डाल के एंड अपने फिंगरप्रिंट से इसे अनलॉक कर सकते हो। अब बात आती है दोस्तों यहां पे फिंगरप्रिंट अटैच करने की, तो यहां पे आपको सेटिंग के अंदर आना है एंड यहां पे आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, फिंगरप्रिंट पे क्लिक करना, उसके बाद आपको यहां पे अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको मिल जाता है प्राइवेसी एप्स, इसको आपके फोन में इस तरीके से ऑफ होगा, ऑफ होगा तो आपको क्या करना है, यहां पे ऑन करना है, ऑन करने के बाद आपको पासवर्ड डालना है एंड यहां पे आपका ये इनेबल हो जाएगा एंड आप फिंगर
फिंगरप्रिंट से भी अपने एप्लीकेशन को अनलॉक कर पाओगे एंड फेस लॉक से भी अनलॉक कर पाओगे। इसी तरीके से आपको फेस लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर फेस वाले पे आप क्लिक करोगे एंड इसी तरीके से आपको फेस वाले पे भी मिलेगा यहाँ पर ऑन करने का इस तरीके से, एंड यहाँ से आप ऑन करोगे आपका ये भी इनेबल हो जाएगा। आप एप्लीकेशन को लॉक करके रखे तो फेस लॉक से भी इसे अनलॉक कर पाओगे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर चाहोगे एप्लीकेशन को अनलॉक करना तो यहाँ पर आपको फिर से सेटिंग के अंदर आना है और यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है जो कि मैंने बताया प्राइवेसी का, यहाँ पे पासवर्ड डालोगे। पासवर्ड डालने के बाद आपको एप्लीकेशन पे जाना है एंड यहाँ से जो एप्लीकेशन के आपने लॉक करके रखा वहाँ से आपको इस तरीके से बंद कर देना है, इस तरीके से आपको बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपका एप्लीकेशन अनलॉक हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, उसके बाद हम देख सकते हैं हमारा कोई भी पासवर्ड नहीं लगा है यहाँ पे फ्री फायर पे, देख सकते हो कोई भी पासवर्ड नहीं लगा है, यहाँ पर दिखाता हूँ कोई भी पासवर्ड नहीं लगा है, देख सकते हो इस तरीके से काम करता है एंड बिगर पासवर्ड का। एंड अगर आप लॉक करके रखोगे तो आपका लॉक लगा रहेगा एंड कोई भी आपका एप्लीकेशन को यूज नहीं कर पाएगा वीवो के वॉइस 100 फोन में, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया वाई 100 फोन के सेटिंग से आप किसी भी एप्लीकेशन को आप हाइड कर सकते हो, मैंने आप लोग को इस वीडियो में बता दिया तो फाइनली आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लेते हैं, आई होप अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के इंप्रेस करना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते किसी इंटरेस्टिंग के साथ, तब के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।